अब आम आदमी पार्टी 2024 में अपनी सरकार बनाने जा रही है और पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। इस बार बड़ी बड़ी पार्टियों को अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि इस बार आम आदमी चुनाव लड़ेगा। आज के दिन में करीब 2 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं, 25 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं, युवाओं के लिए पढ़ाई के लिए अच्छे कॉलेजेस नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस में 50% से ज्यादा टीचर्स नहीं है। ये 57 साल में बीजेपी ने इस मुद्दे पे क्या किया, 57 साल में कांग्रेस ने क्या किया इस मुद्दे पे? जिस दिन हम सत्ता में होंगे तीनों जगह पे, उस दिन हम आपसी बातचीत से इसका समाधान निकाल देंगे और उसमें हमें समय नहीं लगेगा। आम आदमी पार्टी अपने इधर हरियाणा में अपने पैर पसार पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी पैर वैर पसारना पुरानी बात हो गई। अब आम आदमी पार्टी 2024 में अपनी सरकार बनाने जा रही है और पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। ये सब उसी की कवायद चल रही है। हमने एक एक ब्लॉक, एक एक गांव और उस गांव के अंदर भी 21-21 मेंबर की कमेटी यानी एक एक बूथ पर इंतजाम कर लिया है। इस बार बड़ी बड़ी पार्टियों को अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि इस बार आम आदमी चुनाव लड़ेगा। जी, तो आपको युवाओं का कितना साथ मिल रहा है सर? बहुत ज्यादा साथ मिल रहा है। युवा इस पिछले अगर 57 साल में देखें तो अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान हुआ हरियाणा के अंदर अलग अलग सरकारों में तो युवा सबसे ज्यादा हुआ है। आज के दिन में करीब 2 लाख सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं, 25 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं, बार बार पेपर लेते हैं, 30 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। युवा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा शिकार है। युवाओं के लिए पढ़ाई के लिए अच्छे कॉलेजेस नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस में 50% से ज्यादा टीचर्स नहीं है, स्कूल्स के अंदिंग स्टाफ की कमी, ये सब बताता है कि युवाओं का भविष्य बर्बादी की तरफ जा रहा है। उनकी एकमात्र उम्मीद अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो ये सारे हालात सुधारेंगे। अगर हम SYL के मुद्दों की बात करें तो हर पार्टी मुद्दा उठाती है, तो आम आदमी जो पार्टी होगी तो वो क्या कुछ कहना चाहेगी इस बारे में? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा मुद्दों को सुलझाने में यकीन करती है। 57 साल हो गए, जो भी पार्टियां SYL का मुद्दा उठाती हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहला सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा ना कि 57 साल में बीजेपी ने इस मुद्दे पे क्या किया। बीजेपी की कई बार केंद्र में, पंजाब में, हरियाणा में तीनों जगह सरकार रही, तो क्या किया बीजेपी सरकार ने? कांग्रेस की तीनों जगह सरकार रही, 57 साल में कांग्रेस ने क्या किया इस मुद्दे पे? अगर तीनों जगह सरकार थी तो सुलझा सकते थे, मुद्दा नहीं सुलझाया। प्रधानमंत्री जी 2019 में हरियाणा में आके ये कह के गए थे पाकिस्तान पानी बह के जा रहा है, मैं उसको रोकूंगा और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने या तो तब झूठ बोला था या वो अपना वादा निभा नहीं पाए। दोनों स्थितियों में लोगों का विश्वास बीजेपी, कांग्रेस, NL और JJP से इस मुद्दे पर उठ चुका है। अगर इस मुद्दे पर कोई समाधान कर सकता है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। जिस दिन हम सत्ता में होंगे तीनों जगह पे, उस दिन हम आपसी बातचीत से इसका समाधान निकाल देंगे और उसमें हमें समय नहीं लगेगा। जी, अगर आम आदमी पार्टी अपना जो मजबूत विपक्ष बना लेते हैं तो वो किसको समर्थन देगी, बीजेपी या कांग्रेस को? देखिए, हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, 2024 में पूरे बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। आप जिन पार्टियों का नाम ले रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस, पहले ये तो जान लीजिए कि उनके पास अपना समर्थन लेने या देने लायक विधायक आएंगे भी कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी, कांग्रेस, NL और JJP, इन सारी पार्टियों को जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा 2024 के चुनाव में। एक एक आम व्यक्ति बदलाव के लिए वोट डालने वाला है इस बार। एक एक व्यक्ति इस बार आम आदमी के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।